हेलो फ्रेंड्स, आप जानती होंगी कि एक नया वायरस हमारे बीच काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। तो ऐसे समय पे हमारे लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि हम अपने इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखें। आज जो मैं आपको काढ़ा बनाने का तरीका बताने वाला हूँ, वो आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने में बहुत मदद करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम ले लेंगे एक छोटा टुकड़ा दालचीनी का। हमने लगभग 2 इंच का दालचीनी लिया है। गला साफ करना हो या खांसी की प्रॉब्लम हो, दालचीनी बेस्ट है। फिर हम इसमें डाल देंगे 2 बड़ी इलायची और 2 छोटी इलायची। खांसी और ज़ुकाम दोनों में ही फ़ायदा करता है लौंग, तो हम इसमें 8 से 10 लौंग डाल देंगे। और एक बड़ा टुकड़ा अदरक का। अदरक बहुत ज़रूरी रहता है काढ़ा में। हमने लगभग 2 से 3 बड़े चम्मच अदरक लिया है और साथ में ले लेंगे 1/2 छोटा चम्मच काली मिर्च। अब हम इन सभी मसालों को अच्छी तरह से कूट लेंगे। काढ़ा बनाने के लिए हम मसालों को मिक्सी में नहीं पीसेंगे और हमें मसालों को बहुत ही अच्छी तरह से कूट लेना है। हम इसे तब तक कूटेंगे जब तक मसाले कुछ इस तरह से बारीक नहीं हो जाते। तो आप देख सकते कि हमने मसालों को किस तरह से कूटा है। अब हमें इन मसालों को पका लेना है। तो इसके लिए हम ले लेंगे 4 कप पानी। 4 कप पानी में लगभग 1 लीटर पानी आ जाता है। अब हम 4 कप पानी को इसमें डाल देंगे। हमने जितना मसाला कूटा है उसके हिसाब से हम 4 कप से ज़्यादा पानी नहीं लेंगे। 4 कप पानी डालकर हम गैस को चालू कर लेंगे और गैस का फ्लेम हम एकदम तेज़ पे ही रखेंगे। फिर इसके बाद हम पानी उबलने का इंतज़ार करेंगे। तो 5 मिनट हो चुके हैं और पानी भी अच्छी तरह से उबल चुका है। अब हम इसमें वही मसाला डाल देंगे जिसे हमने कूट लिया था। और मसाले डालने के बाद हमें गैस का फ्लेम एकदम कम कर देना है। फिर कुटे हुए मसाले डालने के बाद हम इसमें डाल देंगे तुलसी का पत्ता। हमारे बुज़ुर्गों ने कहा है कि तुलसी एक ऐसी दवा है जिसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता, और तुलसी नाम का मतलब भी यही होता है कि जिसकी कोई तुलना ना कर सके। फिर साथ में हम डाल देंगे 2 तेज़पत्ता और 2 बड़े चम्मच अजवाइन, और हम इसमें गुड़ यानी जैगरी भी डाल देंगे। आप देख सकते कि हमने कितना बड़ा गुड़ लिया है। और अगर आप गुड़ का चूरा ले रहे हैं तो लगभग 2 बड़े चम्मच, और हम इसमें 1 चुटकी नमक डाल देंगे। और नमक डालने के बाद हमें इन्हें आपस में अच्छी तरह से मिला लेना है, और इन सभी चीज़ों को आपस में अच्छी तरह से मिलाकर हम इसे पकने देंगे। हमें इसे लगभग 1/2 घंटा पकने देना है, और गैस का फ्लेम हमें एकदम कम पे ही रखना है। गैस हम बिल्कुल भी तेज़ नहीं करेंगे, या फिर हम इसे तब तक पकने देंगे जब तक इसमें से 1 कप पानी पक कर कम ना हो जाए। तो 30 से 35 मिनट हो चुके हैं। अब हम काढ़ा का गैस बंद कर देंगे, और आप इस काढ़ा को सुबह और शाम के वक्त हर दिन पिए, और जब भी आप इसे पीते हैं तब इसे गरम गरम ही पिए। और अगर आपको काढ़ा बनाने का ये तरीका पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर आप हमेशा ऐसी ही टेस्टी रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।